हेलो फ्रेंड्स, जीएस पर कंपटीशन में आप सभी लोग का स्वागत है। और आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के, गाइस याद रखना, यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के प्यार दोस्तों, हम लोग लगभग लगभग यहाँ पर 10 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर ये आपने क्वेश्चंस कर लिया तो यकीन मानिए यहीं से पेपर में क्वेश्चंस पकड़ में आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों के नाम प्रदान करता है? चार ऑप्शन है, जातक, सुषुम्नगिरी, अंगुत्तर निकाय, मालविकाग्निमित्रम। जवाब दें, क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही गाइस, अंगुत्तर निकाय। बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सही है, अंगुत्तर निकाय इज द राइट आंसर। अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तक्षशिला का प्राचीन नगर निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? यानी तक्षशिला का नगर पूछ रहा है आपसे। बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द एंशियंट टाउन ऑफ तक्षशिला लोकेटेड? चार ऑप्शन है, गंगा, यमुना, महानदी और गोदावरी, सिंधु और झेलम, कृष्णा और कावेरी। क्या तो दोस्तों, बिल्कुल सही गाइस, इसका आंसर जो है सिंधु और झेलम के बीच में तक्षशिला शहर स्थित है। और तक्षशिला की बात करें, तक्षशिला गांधार की राजधानी थी, याद रखिएगा। अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछे तो गांधार की राजधानी क्या थी, तो तक्षशिला टिक कर देना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? यानी हु वॉज द फाउंडर ऑफ हर्यंका डायनेस्टी? बताएं, बिंबसार, अजाशत्रु, उदयन, शिशुनाग। बिल्कुल सही गाइस, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबसार था। बिंबसार वॉज द फाउंडर ऑफ हर्यक डायनेस्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी इज कॉल्ड पितृहंता डायनेस्टी? बताएं, हरेक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। बिल्कुल सही गाइस, हरेक वंश को कहा जाता है क्योंकि इसमें हरेक शासक ने अपने पिता की हत्या करके स्वयं शासक बना था, इस कारण से इसे पितृहंता वंश कहा जाता है। निम्न में से किस शासक को दहेज के रूप में काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ था? बिंबसार, अजाशत्रु, उदयन, शिशुनाग। बताइए फ्रेंड्स, क्या उत्तर आपका? बिल्कुल सही गाइस, दहेज के रूप में काशी का क्षेत्र बिंबसार को प्राप्त हुआ था, क्योंकि कौशल की राजकुमारी, याद रखिएगा, कौशल की राजकुमारी कौशला देवी के साथ, कौशल की राजकुमारी कौशला देवी के साथ इनका विवाह हुआ था, और कौशला देवी के विवाह के परिणाम स्वरूप इन्हें दहेज के रूप में काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ था। प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किस शासक के समय में हुआ था? द फर्स्ट बुद्धिस्ट सभा वॉज ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग विच रूलर? चार ऑप्शन है, बिंबसार, अजाशत्रु, उदयन, शिशुनाग। क्या होते दोस्तों? बिल्कुल सही गैस, प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किस शासक के समय में, तो बिल्कुल सही गैस, अजाशत्रु इज राइट आंसर। और प्रथम बौद्ध सभा राजगृह में हुआ था, याद रखिएगा, राजगृह में हुआ था। ठीक गाइस, अगला बढ़ते हैं, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? विच रूलर कॉन्क्वर्ड अवंती एंड मेड हिम पार्ट ऑफ मगध? क्या उत्तर होगा आपका? अजाशत्रु, बिंबसार, शिशुनाग, महापद्मनंद। बिल्कुल सही, शिशुनाग वंश के शासक शिशुनाग के द्वारा अवंती के क्षेत्र को जीतकर मगध साम्राज्य मिला लिया गया था। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है, नंद वंश का संस्थापक था? द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी वॉज? चार ऑप्शन है, महापद्मनंद, घनानंद, शिशुनाग, शिवानंद। बताएं, बिल्कुल सही गाइस, नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था, और इसे सर्व छंत्रांतक की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन, यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्निमीज या अग्रिमीज या जैंद्रोमीज कहा गया है? अजाशत्रु, कालाशोक, महापद्मनंद और घनानंद। बताएं, अग्रिमीज किसे कहा जाता था? बिल्कुल सही गाइस, अग्रिमीज घनानंद को कहा जाता था। नोट कर लीजिए, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस राजा को दूसरा परशुराम कहा जाता है? विच किंग इज टाइटल एज द सेकेंड परशुराम? क्या होता है दोस्तों? महापद्मनंद, बिंबसार, साइरस और शिशुनाग। बताइए, बिल्कुल सही, अब महापद्मनंद बिल्कुल आपका आंसर सही है। महापद्मनंद नंद वंश के संस्थापक थे, नंद वंश के संस्थापक, और इन्हें दूसरा परशुराम कहा जाता है। प्यार दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम की बात करें तो याद रखिएगा दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी, याद रखिएगा, यूपी डबल एससी, याद रखिएगा, UPSSC 2021, ये टेलीग्राम का लिंक है। यहाँ पे याद रखना, ये डबल एस है, ट्रिपल एस नहीं है, बल्कि डबल एस है। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, UPSSC 2021, ये टेलीग्राम का लिंक है, इसको ज्वाइन करिए। यहाँ पे आपको वीडियो भी आपको मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे, और साथ साथ में क्वेश्चन की सीरीज भी मिलेगी। थैंक यू एंड टेक केयर।